रुक करेंगे। रायपुर से मिल रही है मंत्री टीएस सिंह देव की मां का निधन हो गया है। सरगुजा राज परिवार की राजमाता का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अविभाजित एमपी में मंत्री रही थी मंत्री टीएस सिंह देव की मां। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन में जुड़ गए हैं। आशीष, बेहद ही दुख भरी खबर, टीएस सिंह देव की मां का निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यही खबर निकल कर आ रही है। 7:06 पर दिल्ली गुड़गांव के पास जो मेदांता अस्पताल है वहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। पिछले एक पखवाड़े से लंबा वक्त बीत गया था कि उन्हें लंबी बीमारी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगातार मंत्री टीएस सिंहदेव उनका दौरा भी होता रहा। और अब ये खबर आई है कि जो सरगुजा की राजमाता रही हैं उनका निधन हो गया है। टीएस सिंहदेव फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट पर है और दिल्ली के लिए थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं। जानकारी मिल रही है कि कल उनके पार्थिव देह को सीधे सरगुजा ले जाया जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना तय है। आशीष, लंबे अरसे से अस्पताल में दाखिल थी टीएस सिंहदेव की मां, कौन सी आखिर उन्हें बीमारी थी, किस बीमारी से वो जूझ रही थी? देखिए, उम्र दराज थी लेकिन विस्तृत ब्यौरा तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जरूर पिछले कई सालों से उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के मेदांता में कई बार उन्हें भर्ती कराने की भी नौबत आ गई थी, ही रह रही थी लंबे समय से। और मंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव का लगातार गुड़गांव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दौरा होता रहा है। लगभग हर एक पखवाड़े में टीएस सिंहदेव दिल्ली जाते रहे हैं अपनी मां की बीमारी के इलाज के नाम पर। और अब जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी, एक दो दिनों से उनकी तबियत ज्यादा नासाज हो चली थी और डॉक्टरों ने भी लगभग लगभग संकेत दे दिए थे। और आज 7:06 पर देवेंद्र कुमारी, ये अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रही है सरकार में, इनका निधन हो गया। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, आप